दिल्ली सरकार ने 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसका आगाज मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ संवाद के साथ हुआ। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि दिल्ली के स्कूलों में उत्सव का माहौल बने, जो बच्चे यहां पढ़ने आए उन्हें अच्छा महसूस हो। इसी मकसद से पूर्व राष्ट्रपति से संवाद करवाया गया। इन मॉडल स्कूलों में पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर सिस्टम और मैनेजमेंट दिया जाएगा, ताकि सरकारी स्कूलों को लेकर फैली भ्रांतियां और इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने को लेकर पेरेंट्स की सोच में बदलाव आए। I was very happy that education got the highest budget in Delhi government. So I am sure that they will provide, when the student goes out after 25,000 hours of school days, and definitely capacity as a, with the skill, education and a good citizen, all the three parts. मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में रेस्पेक्टेड कलाम साहब से ज्यादा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी कोई है। अभी उनका पूरा जीवन, जहां से उन्होंने शुरू किया अपना जीवन और आज जहां वो हैं, और अल्टीमेटली फिर बहुत प्राइड के साथ कहना कि मैं एक टीचर होना पसंद करता हूं, तो सभी टीचर्स को इंस्पायर करने के लिए, ताकि क्लासरूम में एक इंस्पायरेशन का माहौल रहे, ये इनिशिएटिव है। इसमें जो जो लोग भी साथ देंगे, मैं चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों को जिनकी जिंदगी इंस्पायर करती है, जिनकी अपनी लाइफ इंस्पायर करती है, वो यहाँ के हमारे टीचर्स को इंस्पायर करें। हम गवर्नमेंट के रूप में तमाम फैसिलिटीज, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर देने के साथ साथ उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं।